इस मस्जिद का भी दौरा किया। दौरा करके मस्जिद के ताल्लुक से पूरी मस्जिद कमेटी वालों के और हमारे लोगों से सब बातचीत करे, मस्जिद का मायना ले लिया, पूरा जायज़ा ले लिया और सामने मस्जिद के आगे और पीछे सब कब्रस्तान का भी बता दिए हम। ये मस्जिद जो है चार मीनार से भी पहले बने सो मस्जिद है, ये कदीम मस्जिद है। इस मस्जिद में कई उलमाए अकराम आके अपना खिताबत भी करे ये मस्जिद में। ये ऐसी शानदार मस्जिद है, इसको 2015 में हम थोड़ी अंदर नमाज़ों के वास्ते थोड़ी सी तामीर कर लिए, वो अपने अपने पैसों से डाल के। जब से यहाँ के लोग हमारे को हर काम में रोक के रख दे रहे, वक्फ बोर्ड वालों से और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों से सबसे रोक, पूरा काम नहीं करे जैसा, पूरा रोक के रख दे रहे। ये मस्जिद जो है पूरा खोखला हो गई थी, अल्लाह के फजल से अब तो अंदर ज़रा थोड़ा मजबूती हम बना लिए नमाज़ा वगैरह पढ़ने के वास्ते। और दूसरी बात क्या है, अबू अमल साहब आके हमारे को पीर के दिन 11 जनवरी बरोज़ पीर वक्फ बोर्ड प्रेसिडेंट सलीम साहब के पास लेके गए। सलीम साहब ने हमारे को ऐसा भरोसा, ऐसा हवाला दिया कि पूरा काम मैं करा दे तो मेरी जिम्मे है, वो दे है, ये है, बल्कि आज तक 9 महीने की बात हो गई, आज तक इसका कोई काम नहीं हुआ। गौस साहब, इंस्पेक्टर गौस साहब एक दफ़ा धनपुरा आके खाली विज़िट करके चले गए, मैं ये कर देता हूँ वो कर दे, आज तक ना तो वक्फ बोर्ड की जानिब से कोई हो रहा, या कोई और सियासती लीडरों की तरफ से भी कोई काम नहीं हो रहा, पूरे काम सो पूरे रोक के रखे। 1125 सर्वे नंबर में 4 एकड़ 4 गुंटे ज़मीन है, इसमें मस्जिद भी 10 गुंटे है और कब्रस्ताना भी आजू बाजू कदीम खबर, जैसा मस्जिद कदीम है वैसा खबरों भी पुराने कदीम हो गए। ये खबरों को रातें रात तोड़ दे रहे ये लोग, सुबह तक दिन में डब्बे वब्बे डाल दे रहे। हम किसी को भी जाकर पूछे तो उसका कोई हमारे जवाब नहीं आ रहा। लिहाजा मेहरबानी ये है कि अब प्रेसिडेंट साहब सलीम साहब खुद धनपुरे का दौरा करें, दौरा करके क्या है ये सब पूरा उन्होंने देख लेके, अपनी आँखों से देख लेके इसको क्या करना है नहीं करना है, ये सलीम साहब के ऊपर की उनकी जिम्मेदारी की बात है। और 1127 में भी खबरें हैं, खबरस्तान है, 1125 में भी है, 27 में है, 28 में, ये पूरे खबरस्तान सब पूरे यहाँ के लोग तोड़ फोड़ करके पूरा मिसबरान करके ख़त्म कर दे रहे। लिहाजा जल्दी से जल्दी ये करके और हमारे मस्जिद की सबसे पहले कंपाउंड की दीवार और ये जो खबरों की है वो हिफाजत करें। और खमरुद्दीन साहब को भी हम 2021 से पहले एक दरख्वास्त दिए थे, वो दरख्वास्त का भी आज तक कुछ भी जवाब नहीं आया चेयरमैन खमरुद्दीन साहब को भी। ये सब पूरे ऐसे है, बमेहरबानी ये है सलीम साहब खुद दौरा करें, दौरा करके ये मस्जिद का पूरा जायज़ा लेके इसको क्या करना है ये उनके ऊपर की बात है। बस खुदा ऑफिस। मैं मस्जिद कमेटी के सदर से बात कर रहा हूँ और आज जुमा का दिन सितंबर 10 तारीख है, उससे पहले अबू अमल साहब आए थे 9 तारीख जनवरी के, उन्होंने आके हमारे 11 तारीख को वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब के पास बुला भेजे, उन जो है सो उनके पास जो हम जो दरख्वास्त पेश करे उन्होंने क्या बोले, अच्छी बात है मैं सब कर देता हूँ, सब ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ, बेफिक्र हो जाओ। मैं वहाँ के वोर्ड के गौस साहब को फ़ोन करे, उन्होंने एक सब ये सब चेकअप करे, क्या बार अच्छी बात है मैं भी लिख भैया का काम जल्दी जल्दी कर देता हूँ बोले। और सामने कब्रस्तान है, वो कब्रस्तान को तोड़ के रातें रात डब्बे डाल रहे हैं, उसके बारे में भी शिकायत करें हमें, उसको कंपाउंड बना बोल के भी उसमें तहरीर में लिखो दिए, मस्जिद के अतराफ कंपाउंड बना बोल के भी तहरीर में चेयरमैन साहब को लिखो दिए। ये मस्जिद की हालत कैसी है देखो, ये झाड़ा ये चीद ये सब ऐसे मजबूरी हालत में है, हम लोग कुछ भी करने गए तो वक्फ वाले डेवलप नहीं करते, उधर गांव वाले आर के जो वाले शिकायत करते हैं, वो लोग भी आके खाली आते चेकअप करते रहते जाते हैं, चेकअप करते रहते जाते हैं, नमूना कर देते हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे। अब आपकी मेहरबानी है कि कब्रस्तान का कंपाउंड मस्जिद के अतराफ कंपाउंड करिए, देखो हमारे भी ये गांव की मजबूरी है आपके सामने रख रहे हैं। सलीम साहब आपके हमारे मस्जिद का दौरा करिए, आपसे गुजारिश है कि ये काम हमारे लोग हमें हमारे लोग भी हमारे पूछ रहे हैं, तुम जनवरी के 11 तारीख को गए क्या काम करे, तुम आज तक कुछ काम नहीं किया उस काम में, सो पूछ रहे हैं हमें, उनको जवाब नहीं दे सक रहे। अब मेहरबानी से इसको वीडियो बनाने का मतलब भी क्या है, वो लोगों से आज पूछ रहे इसलिए वीडियो बना के आपके साथ हमें भेजा रहे ये काम। डेट दलन आज जुमा है, सितंबर 10 तारीख है, मेहरबानी से ये काम जल्दी से जल्दी करिए सलीम साहब, हम बहुत गांव में मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम।